हेलो गाइस, वेलकम टू पुरानी गाड़ी .com। आज हम बात करने वाले गाइस मारुति स्विफ्ट ZXI के बारे में, जो कि मॉडल नंबर है 2014, जो गाड़ी ऑन सर्विस रिकॉर्ड के साथ चली हुई है केवल 19,000। मैं आपको साथ साथ ये बता दूं, फर्स्ट ओनर कार है और कार की अभी तक स्टेपनी यूज़ नहीं हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि किस कंडीशन में कार होगी। समझ रहे हैं कि कार जो है वो ज़बरदस्त कंडीशन में है ही। और जब भी मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो डालता हूँ, उससे पहले हमेशा चेकआउट करता हूँ गाड़ी के डॉक्यूमेंटेशन, गाड़ी का इंजन एंड साथ ही साथ गाड़ी की बैक लाइट्स, हेडलाइट्स, गाड़ी के सीट कवर्स, गाड़ी के गियर्स, गाड़ी की स्टीयरिंग्स, ये सारी चीज़ें चेकआउट करने के बाद ही मैं अपने चैनल पर कोई भी गाड़ी अपलोड करता हूँ। ये इसलिए सारी चीज़ें करता हूँ क्योंकि आपका ट्रस्ट लेवल पुरानी गाड़ी .com और हमेशा मेरे ऊपर हमेशा बना रहे। तो गाइज़, मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा गाड़ी के जो है ना, जो है यहाँ पे इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में। तो फटाफट बात करेंगे गाड़ी के जो है ना एक्सटीरियर के बारे में। तो जब भी हम गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में कोई भी बात कर रहे होते हैं, उससे पहले हमेशा बात आ जाती है हेडलाइट्स के ऊपर कि गाई गाड़ी की कंडीशन कैसी है। देखो, हमेशा जो मैंने जैसे हमेशा हर एक वीडियो में अपने बोलता रहता हूँ, देखो गाड़ी की जो कंडीशन होती है वो तो मेन होती ही होती है। हमेशा गाड़ी का जो मेन होता है वो इंजन भी होता है, तो हमेशा इंजन पर भी गौर फरमाएं। समझ रहे हैं? तो आप देख ही पा रहे हैं, चमचमाती हुई कार है, कहीं से भी कोई भी आपको स्केचेस नज़र आ नहीं रहा होगा। और गाड़ी जो है ना वो एकदम जेन्युइन कंडीशन में बॉस। और अगर आप इसे लोन पे लेना चाहेंगे तो आपको लोन भी प्राइस बता दूं, है ना, अगर आप चाहें फिर झांसी से हो, चाहे फिर आप कहीं कौन सी भी लोकेशन से हो, चाहे वेस्ट ईस्ट कहीं से भी, समझ रहे हैं, इंडिया में आप इसे लोन पे ले पाएंगे। बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट यही आती है कि भैया लोन पे ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। भाई लोन पे आप बॉस ले पाएंगे इसको, समझ रहे हैं? ये है फॉग लाइट्स, मैं आपको बता दूं 90,000 में केवल इसे आप परचेज कर पाएंगे। समझ, 90,000 डाउन पेमेंट करिए, बाकी की छोटी छोटी EMI बन जाएंगी आपकी। साथ साथ बहुत ही परफेक्ट कंडीशन में कार है, फॉग लाइट्स मैं दिखा चुका हूँ। आगे से थोड़ा मैं एक आपको ओवरव्यू दिखाई देता हूँ गाड़ी का। काफ़ी अच्छी कंडीशन में कार है बॉस, और कहीं से भी कोई भी आपको डैमेजिंग नज़र आ नहीं रही होगी। टायर्स जैसे मैंने बोला है कि अभी तक यार स्टेपनी यूज़ नहीं हुई है, अनयूज्ड स्टेपनी कार है, समझ रहे हो? तो आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ पे टायर्स जो है बिल्कुल न्यू कंडीशन में है, गाड़ी बिल्कुल चली नहीं हुई है, ये मैं आपको बता दूं पहले ही, क्योंकि ये एक बैंक मैनेजर की कार है, समझ रहे हो? मतलब बैंक में उन्होंने काम किया है, तो सबसे अच्छी बात ये जाती है जो बैंक में जिनकी जो ऑनर है वो बैंक में है अगर, तो उनका घर केवल ऑफिस से घर तक आना जाना हुआ होगा। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे सबसे पहले इंजन में जो चेकआउट करने वाली चीज़ें होती हैं वो इंजन ऑयल होता है। साथ ही साथ इंजन के हमेशा इंजन नंबर को हमेशा अपने डॉक्यूमेंटेशन से मैच करिए, ये मैं हर एक वीडियो में जैसे बोलता हूँ आपको, आप लोगों के लिए। साथ ही साथ बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार बैटरी में क्या, देखो बैटरी में हमेशा जो है ना वो हमेशा चेक किया करिए कि भैया यहाँ पे कहीं कार्बन तो ज़्यादा जमा नहीं है, उसके बाद ही क्या करिए गाड़ी को परचेज़ करिए, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम करेगी जब ज़्यादा कार्बन जमा होगा। तो ये सारी चीज़ें चेकआउट करिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं यार गाड़ी मुझे एक्सीडेंटल कैसे पता चले अगर साइड से लगी हो गाड़ी। तो देखो यार, साइड से जब लगी होगी तो यहाँ पे जरूर डैमेजिंग आया होगा। और जो ये कर्व देख रहे हो ना, ये केवल कंपनी फिटेड ही ऐसा कर्व आता है, बाहर से चाहे कितना भी बड़ा मैकेनिक क्यों ना ऐसा कर्व बना के नहीं दे पाता है। तो आप सारी चीज़ें ये जान सकते हो कि यार अच्छा एक्सीडेंटल है या नहीं है, समझ रहे हो? तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में कार है, फटाफट इस कार को परचेज करें। बात करेंगे थोड़ा गाड़ी के अंदर चल के गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, है ना। तो जैसे कि मैंने एक्सटीरियर आपको दिखाई दिया, कहीं से कोई भी डैमेजिंग नज़र आ नहीं रही है। साथ ही साथ यहाँ पे हम साइड मिरर की बात कर लेते हैं। साइड मिरर में आपको यहाँ पे जो है ना वो इंडिकेटर अवेलेबल है ये आप लोगों के लिए, और काफ़ी अच्छी कंडीशन में बॉस कार है। थोड़ा अंदर चल के अंदर के लुक एंड फील की बात करेंगे तो ज़बरदस्त दिख ही रही है गाड़ी अंदर से। यहाँ पे आपको मिल जाता है पावर विंडोज़ और पावर स्टीयरिंग विंडोज़ के साथ साथ आपको यहाँ पे मिलता है चमचमाते हुए गाड़ी के सीट कवर्स। आप देख ही पा रहे हो जेन्युइन कंडीशन में सीट कवर्स हैं बॉस, कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ मैं जैसे ही आया हूँ और यूज़र की गाड़ी खड़ी हुई थी और जैसी गाड़ी जिस कंडीशन में खड़ी हुई थी मैं उसी कंडीशन में गाड़ी की वीडियो बना रहा हूँ, है ना। और मैं आपको साथ साथ ये भी दिखा दूं, यहाँ से ड्राइवर साइड जो है ना विंडोज़ पे पूरा आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड का मिरर को यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको पावर विंडोज़ अवेलेबल है, स्पीकर्स आपको चारों विंडोज़ में मिल ही रहे हैं, साथ ही बोतल रखने का एक आपको स्लॉट मिल ही रहा है। यहाँ पे 2 स्पीकर्स हैं 1 और 2 विंडोज़ के अंदर। तो गाइस ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए भी बताता रहता हूँ क्योंकि आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ रहती है गाड़ियों के बारे में। साथ ही साथ आप अपने मोबाइल को ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पे अपना मोबाइल को अगर जैसे आप चला रहे हैं गाड़ी तो यहाँ से आप वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसे साइलेंट मोड पर डाल सकते हैं, यहाँ पे आप म्यूज़िक का भी वॉल्यूम कैरी कर सकते हो। तो गाइस ये सारी चीज़ें गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त हैं, समझ रहे हो? और साथ ही साथ यहाँ पे FM सारी चीज़ें हैं यार, और यहाँ पे आपको रनिंग कंडीशन में मिल रही है, समझ रहे हो, म्यूजिक सिस्टम। और वो भी यहाँ पे मैं आपको बता दूं, AC जो है वो रनिंग कंडीशन में, और काफ़ी जो ZXI की सबसे अच्छी बात है कि ज़बरदस्त जो AC है वो ज़बरदस्त पावरफुल होता है बॉस। यहाँ पे आपको स्लॉट मिला है चार्जिंग स्लॉट, यहाँ पे आपको USB AUX के लिए एक
पोर्ट मिल रहा है देख रहे हैं आप, और यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, है ना, और गाने सुन सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं गाड़ी को परचेज़ करने के बाद। और साथ साथ यहाँ पे छोटा सा एक बॉक्स मिल रहा है जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंटेशन कैरी कर सकते हैं। और बस बहुत अच्छी, सबसे अच्छी बात तो ये हो जाती है कि गाड़ी बहुत कम चली हुई है और ऑन, जैसे मैंने बोला, ऑन सर्विस रिकॉर्ड के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, केवल 19,000 चली हुई है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि जेन्युइन कार है बॉस, इसे बिल्कुल भी ना चूके, और क्योंकि एक अच्छी कॉस्टिंग में भी है, ऐसा नहीं कहूँगा क्योंकि ज़बरदस्त कॉस्टिंग है और ज़बरदस्त कार है। तो देखो यार, जब अच्छी कोई कार होती है तो उसकी कॉस्टिंग उसी के अकॉर्डिंग होती है, जैसे कि बहुत सारी कारें ख़राब होती हैं तो भाई उसके अकॉर्डिंग लोग अपनी कम प्राइसिंग करते हैं, लेकिन बहुत सारी कारें अच्छी होती हैं तो उन लोग उनके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस को सेट करते हैं। तो देखो, जैसे मैंने बोला था, चारों विंडोज़ पावर विंडोज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं, चारों विंडोज़ में स्पीकर्स अवेलेबल हैं, तो ये सारी चीज़ें गाड़ी को खास बनाती हैं गाइज। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो पीछे के सीट कवर्स, और सबसे अच्छी बात यह है ZXI के अंदर की जो स्पेस है दोनों सीटों के बीच में वो परफेक्ट होता है, जेन्युइन, समझ रहे हो। एंड साथ ही साथ मैं आपको दिखा ही रहा हूँ कि गाड़ी में जो मैंने आपको दिखाया वो गाड़ी में अवेलेबल है, वही चीज़ यहाँ पे पीछे आपको स्लॉट मिल ही रहा है, यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो, है ना। यहाँ पे अपने आप कुछ भी कैरी कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पे अपना जो भी आप इनकेस कहीं जा रहे हैं टूर पे, तो यहाँ पे आप अपने जो भी वैक्स वगैरह कैरी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी कंडीशन में बॉस कार है, समझ रहे। तो सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि पीछे की, जैसे मैंने बोला था कि अनस्टेपनी यूज्ड है ना, देखिए स्टेपनी अभी तक यूज़ नहीं हुई है गाड़ी की, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देख रहे हैं अभी तक गाड़ी की स्टेपनी जो है ना वो यूज़ नहीं हुई है। तो यार समझ जाइए गाइस, तो गाड़ी जो है ना बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में, बॉस फटाफट इसे परचेज़ करिए, बिल्कुल भी चूकिए मत, क्योंकि गाड़ी जो है ना बिल्कुल भी देरी मत करिए गाड़ी को खरीदने में। गाड़ी जो है ना चारों तरफ से कहीं से भी, मैं आपको चारों तरफ से इसलिए दिखा रहा हूँ गाड़ी क्योंकि आपको पता रहे कि भैया गाड़ी में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, घर बैठे आपको एक पूरी वैल्यूएबल पता हो गाड़ी की कि गाड़ी कितनी चली है क्या है, वो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, अंदर से सीट कवर कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप चेकआउट करने के बाद ही गाड़ी जो है ना परचेज़ करिए। तो गाइस बहुत अच्छी कंडीशन में कार है, कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम है नहीं, है ना, जैसे मैं चारों तरफ से दिखा ही रहा हूँ ओवरव्यू एक आपको, जैसे बार बार मैं बोलता रहता हूँ कि यार देखो स्टीयरिंग ऐसी है, है ना, पावर स्टीयरिंग में कार है, जो भी है सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको घर बैठे इसलिए देता रहता हूँ क्योंकि आपको घर बैठे कार का ओवरव्यू मिल जाता है, जिससे आप समझ पाते हैं कि हाँ ये गाड़ी मेरे के लिए परफेक्ट है या नहीं है। तो गाइस फटाफट अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस जैसे कि मैं एक बार अगेन प्राइस को रिपीट कर देता हूं कि अगर इस गाड़ी को आपको कैश में परचेज करना है तो गाड़ी आपको पड़ने वाली है 4,50,000 रुपये में, है ना। अगर आप इसे लोन पे लेना चाहेंगे तो डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी आपको 90,000 रुपये। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि छोटी छोटी ईएमआई में आप इसको परचेज़ कर पाएंगे डाउन पेमेंट करने के बाद, और चाहे आप कहीं से भी हो इंडिया में आप आराम से लोन पे गाड़ी परचेज़ कर पाएंगे, है ना। वो टर्म ऑफ कंडीशन आपको फ़ोन करने के बाद पता चली जाएंगी। आप फटाफट इंक्वायरी फॉर्म पे ध्यान दीजिए, फटाफट क्लिक करिए जाके लिंक पे और फटाफट इंक्वायरी फॉर्म सबमिट करिए, जिससे कि मैं आपको फटाफट बैक कॉल कर पाऊँ और आप इस गाड़ी को परचेज़ कर पाएँ। तो गाइज जैसे कि बहुत सारे लोग, जैसे कि अभी जस्ट मैसेज आया था मेरे पास रविंदर जी का, एक यूट्यूब पे मेरे पास कमेंट आया कि सर आप काफ़ी अच्छा समझाते हैं गाड़ियों के बारे में और मुझे आपसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो उन सबसे पहले मैं रविंद्र जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, और ऐसे कई मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो उनके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार जो मुझे देते हैं मेरे चैनल को, उनको बहुत बहुत थैंक यू। सो अगर जैसे कि अगेन बोलना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।